मैं कहें लाइक दिस, मान लो कि अगर मान लो कि इसका हाथ चिपक गया और ये खोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं खुल रहा है, तब करना क्या पता है इसको, मैं तो मूव करो। अब मान लो उसका हाथ अटक गया, अभी नहीं अटका लेकिन बता रहा हूँ अटक गया, तो आपको क्या करना मालूम है, लुक इन टू माय आईज, आई 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 टक रिलीज। आप समझ गए, झटका देना और टक करके हाथ मारना माथे और ये दूसरे हाथ से अलग कर देना, इंस्टेंट अलग हो जाएगा। अब कोई आता है वर्कशॉप के टाइम में जो गिरा पिड़ा, पांव में चोट लग गई या कुछ हो गया, हल्का दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ पता है, कम मान लो हेडेक हो रहा है या पीठ में दर्द हो, कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ओके लुक इन टू माई आईज, टक इट्स गॉन। ये तो नॉट जल्दी ज़्यादा होता है ना, इसका मुश्किल है, रिएक्ट ज़्यादा करता है, तो टक करके मारोगे, इट्स गॉन बोलोगे, तो क्या हो गया, पहले कॉन्शियस माइंड कहाँ विजय कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आपकी आंख पे, एंड सडनली यू गिव अ जस्ट कंसीडर द वर्ड गॉन, मैसेज गया सबकॉन्शियस माइंड में, पेन चले जाता है। मेरी वर्कशॉप में एक लेडी आई थी, बहुत पुरानी बात है, बॉम्बे में, ये बेंगलोर में वर्कशॉप थी मेरी, तो उसको बैठे बैठे ना कुर्सियाँ, कई बार कई होटलों की कुर्सियाँ अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी वहाँ पे, तो बोलती है हर दो तीन घंटे बाद मुझे मेरे को बैक पेन हो रहा, तो मैंने ऐसे करके निकाल दिया उसका, उस दिन चले गया, दूसरे दिन फिर आई, फिर हो रहा है। अब मैंने अपनी टेक्निक चेंज कर दी, उसके बाद टक मारा, गॉन फॉर एवर बोल दिया, गॉन फॉर एवर, जो डीट परमानेंट बोला ना, गॉन फॉर एवर बोल दिया, चले गया, दिन भर नहीं आया उसको। 8 महीने बाद में, 1 साल बाद में मेरी वर्कशॉप फिर थी बेंगलोर में, तो मिलने आई मेरे से, मिस्टर अग्रवाल आई वॉज नॉट हिप्नोटाइज बट यू नो दैट पेन नेवर केम बैक, वो दर्द कभी आया ही नहीं। वाह ठीक है, तो ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में मार के करने वाला ये टेक्निक, ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी बात प्रोसेस करेक्ट। अच्छा टाइम कितना है अपने पास अभी, हाँ क्यों, अच्छा बहुत सारे काम है, तो 5:15 भी अपने को ट्रेडिशनली वर्कशॉप खत्म करेंगे, फोटो लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, टेस्टिमोनियल का एक फॉर्म भी देंगे आपको फिलअप करने के लिए। थैंक यू।